बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4, दैट इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव जो थे लाइक डेफिनेशंस वगैरह वो हमने कर ली थी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 360। हमने इसका LCM लेना है, ठीक है। LCM जिस तरह क्लास में भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि LCM कैसे लेते हैं, 2 1 ज़ा 2। ओके, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर क्या है आपके पास, 2 4 ज़ा 8 है, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर क्या है आपके पास, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आए, जो फैक्टर्स आए हैं, इन्हें अब हमने यहाँ पे लिख लेना है साइड पे। 360 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 की वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 × 3, इसे हम 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 की एक ही वैल्यू है तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टर के लिए लिख लिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती चलूँ कि को प्राइम्स होता क्या है। को प्राइम्स का मतलब है कि जब आप दो वैल्यूज़ का LCM लेंगे तो जिसके फैक्टर्स आएंगे, जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, वो सिर्फ 1 आए और कोई भी फैक्टर ना आए कॉमन, ठीक है, तो क्या होगा कि वो को प्राइम्स होंगे। अब अगर इन वैल्यूज़ को मैं देखती हूँ, इनका मैं LCM लेती हूँ, तो 6 और 18 का LCM हमारे पास ये आ गया। इनके फैक्टर्स क्या हैं, ये हैं, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यहाँ पे एक ये फैक्टर आ गया, पेयर हमारे पास एक 2 का पेयर आ गया, एक 3 का पेयर आ गया। अब ये 1 के इक्वल तो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लिख देंगे नॉट को प्राइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट को देखें तो 13 एंड 64, इसका LCM देखते हैं, 13 1 ज़ा 13 और 64 का LCM हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये 64 के फैक्टर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया। अब फैक्टर्स किसी के भी सेम नहीं है हमारे पास, ठीक है, किसी के फैक्टर सेम नहीं आ रहे, तो एक 1 और 1, देखो एक हम क्या करते हैं, 13 × 1 करते हैं, तो 13 आता है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं। तो जब कोई भी फैक्टर सेम ना हो तो हमारे पास कौन सा फैक्टर आता है सेम, 1 का फैक्टर होता है जो कि सेम होता है। तो 1 × 1 = 1, हमने कहा है कि जब भी 1 आ जाए कॉमन फैक्टर तो वो को प्राइम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, को प्राइम है, ठीक है। आपने बाकी पार्ट्स भी इसी तरह करने हैं दोनों क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच।